देखो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स के 12th अकाउंट्स के पेपर का पैटर्न बताता हूँ कि क्या पैटर्न आता है, क्या सिलेबस है पूरा, वो आप अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर है, ये जो 100 मार्क्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें आपके जो 80 मार्क्स हैं, आपके 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, एंड रिमेनिंग जो 20 मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स आपके होते हैं प्रैक्टिकल के, राइट। अभी जो 80 मार्क्स हैं, इसके फर्दर अपन तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें है आपका पार्टनरशिप अकाउंट, जो कि बोर्ड में आता है आपके 35 मार्क्स का, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है आपका कंपनी अकाउंट्स, जो कि आता है आपके 25 मार्क्स का। और थर्ड जो पार्ट है वो आपका है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि है आपकी 20 मार्क्स। तो 100 में से 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आता है, उसके तीन पार्ट हैं, एक अपन को पढ़ना है पार्टनरशिप अकाउंट्स, एक अपन को पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स, और एक अपन को पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक है पूरी सेकंड पार्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 80 में से 35 मार्क्स की आपकी पार्टनरशिप आती है, 25 मार्क्स का आपका कंपनी अकाउंट्स आता है, एंड 20 मार्क्स की बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके अंदर फर्दर बात करें आपकी जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है, इसके अंदर बेसिकली 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, सेकेंड चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थर्ड चैप्टर इज एडमिशन, फोर्थ चैप्टर इज रिटायरमेंट, फिफ्थ चैप्टर इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड सिक्स्थ चैप्टर इज डिसोल्यूशन। अब बोर्ड में तो ये बताया गया है पार्टनरशिप जो है 35 मार्क्स की होगी, फर्दर ये चैप्टर कितने कितने मार्क्स होंगे ये सीबीएसई ने क्लेरिफाई नहीं कर रखा, लेकिन आप बात करें कि पेपर्स उठा के देखो तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसमें से अराउंड 10 मार्क्स का तक का पेपर आता है, और रेस्ट की जो चैप्टर है उनमें से 25 मार्क्स का पेपर अपन देखते हैं, बट ये सीबीएसई की तरफ से नहीं है गाइडलाइन। सीबीएसई तो कहता है कि पार्टनरशिप मार्क्स पार्टनरशिप अकाउंट्स है या आपका 35 मार्क्स का होगा। अब अपन बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की, तो उसके अंदर बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं। एक है आपका इशू ऑफ शेयर्स, इसमें फॉरफीचर और रीइशू भी आता है। एक चैप्टर है आपका इशू ऑफ डिबेंचर, एक चैप्टर है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और एक चैप्टर है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो आपके कंपनी अकाउंट्स में 4 चैप्टर हैं। वापस एक बार जो आपका सीबीएसई बोर्ड है उसने अभी क्लेरिफाई नहीं करा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, लेकिन अपन कोई पास है कि पेपर उठा के देखते हैं तो ऑन एवरेज 12-15 मार्क्स का पेपर इशू ऑफ शेयर में से आता है, रेस्ट के जो चैप्टर है इनमें से ऑन एवरेज 10 मार्क्स तक का पेपर आपको मिलता है, बट ये सीबीएसई की तरफ से नहीं। अभी जो थर्ड पार्ट है दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके 20 मार्क्स का है। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर इज थ्योरी, सेकेंड चैप्टर इज
कंपैरेटिव स्टेटमेंट, थर्ड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, फोर्थ इज रेशियो एंड फिफ्थ चैप्टर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें बोर्ड ने थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रखा है मार्क्स का कि ये जो थ्योरी है ये आपकी 2 मार्क्स की आती है. कंपैरेटिव या कॉमन साइज से एक क्वेश्चन आता है ये आपका होता है 4 मार्क्स का. ठीक है, रेशियो जो चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स का है. इसके अंदर 2 मार्क्स का थ्योरी एंड 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है आपके 12 मार्क्स का, एट मार्क्स का. इसके अंदर से 2 नंबर की थ्योरी है, 6 नंबर का प्रैक्टिकल आता है. ठीक है, तो ये आपका पूरा 3 आवर्स का जो सब्जेक्ट के पेपर है वो. अब अपन प्रैक्टिकल की बात करते हैं. प्रैक्टिकल के अंदर 3 चीजें होती हैं. एक तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनती है. ये जो प्रोजेक्ट फाइल आपकी बनती है आपकी होती है आपकी 4 मार्क्स की. एक आपका होगा वाइवा, ये भी आपके 4 मार्क्स का होता है. और एक होता है आपका रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल में जो कि आपके 12 मार्क्स का होता है. और इस रिटन टेस्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं. कि कौन से 2 क्वेश्चन होते हैं, ये जो चैप्टर है ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चैप्टर है रेशियो, एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा रेशियो का 6 मार्क्स का. और एक ही चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें से आएगा आपको कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स. राइट, तो अगर आप अपन देखें तो ये 2 चैप्टर की मैं बात करूं तो यहां पे 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से 6 मार्क्स का है और 6 मार्क्स का ये हो गया, यानी चैप्टर कितने का हो गया, 12 मार्क्स का हो गया. और मैं इसी बात करूं तो 8 मार्क्स का तो यहां पे आएगा, 6 मार्क्स का यहां पे है प्रैक्टिकल में. कितने हो गए, 6 और 8 14, तो 14 मार्क्स का ये हो गया. तो दोनों चैप्टर कितने के हो गए, 26 मार्क्स. तो अगर अपन टोटल 100 मार्क्स के पेपर की वेटेज की बात करें तो 100 में से 26 नंबर इन दो चैप्टर के हुए, दैट इज रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्लियर है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न होता है. अब आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन के मार्क्स. तो सबसे छोटा जो क्वेश्चन होता है वो आता है 1 मार्क्स का और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो आता है आपके 8 मार्क्स का. देखो इसमें नीचे दे रखा है मैंने कि आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं इस सब्जेक्टिव पेपर में. ऐसे आपके 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. इसी तरीके से 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. इसी तरीके से आपको 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. इस तरीके से ये 80 मार्क्स. तो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स. 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क के 8 क्वेश्चंस. तो ये आपका पूरा अकाउंट्स का सब्जेक्टिव है और ये आपका पूरा सिलेबस है. तो बेसिकली चैप्टर देखिए तो काउंट करें तो अपन 6 चैप्टर यहां हो गए, 4 यहां हो गए, कितने हो 10 और 5 चैप्टर्स ये, तो टोटल मिला के 15 चैप्टर्स है. ठीक है, समझ में आ गया कोई डाउट?